तो दोस्तों, क्या आप अपनी प्रॉब्लम भरी लाइफ से परेशान हो चुके हो, लाइफ झंड हुई पड़ी है और ऊपर से सिंगल हो और सोच रहे हो कि काश एक कंचास मिल जाता, दूसरी दुनिया में चला जाता, हीरो नहीं कम से कम डीमन लॉर्ड बन जाता और खुद का हरम बना लेता। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स फकिंग रियलिटी। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें अपकमिंग इसे कई और फैंटेसी एनिमे के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखकर आप अपनी झंड हुई लाइफ से थोड़ी देर के लिए दूर होकर अपनी लाइफ को एंटरटेन कर सकते हो और इस फैंटेसी वर्ल्ड में खो सकते हो। तो अगर आपको भी जाना है कि ये एनिमे कौन सा है तो बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला एनिमे है उसका नाम है द डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 2, और ये एनिमे सीजन 2 के लिए 10 साल बाद वापस आ रहा है। आई नो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, लेकिन कुछ एनिमे को तो सीजन 2 नसीब भी नहीं होता, कम से कम ऐसे सीजन 2 मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आपको इस एनिमे के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि ये स्टोरी है एक डीमन लॉर्ड की जो अपनी दुनिया में हीरो से हार जाता है, फिर हमारी दुनिया में चला आता है, मतलब कि ये एक रिवर्स इसी का है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी दुनिया में पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बनकर मैकडॉनल्ड के एक ब्रांच में काम में लग जाता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसका जो ड्रीम था कि अपनी दुनिया में वापस जाकर हीरो को हराना, वो चेंज होकर मैकडॉनल्ड उसी ब्रांच का मैनेजर बनने का हो जाता है। और ऊपर से उसकी परेशानी और बढ़ाने के लिए जिस हीरो ने उसे हराया था वो भी इस दुनिया में चली आती है। अब यहाँ आने के बाद में इन दोनों का जो कांड होता है वो जाने के लिए आपको डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 2 देखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई डीमन लॉर्ड की जो कि मैकडॉनल्ड का मैनेजर बनना चाहता है। बात करता है डीमन लॉर्ड की जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओवरलॉर्ड की, क्योंकि ओवरलॉर्ड वापस आ रहा है सीजन 4 के लिए, तो हमें डीमन लॉर्ड का कार्नेज और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसके पहले सीजन नहीं देखे है तो फिर ये सीजन देखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो जाकर पहले 3 सीजन देखो और फिर ये सीजन देख लेना। और जो नेक्स्ट एनिमे है वो एक फैंटेसी एनिमे है और वो उन लॉन्ग टाइटल वाले एनिमे में से एक है, जिसका नाम है इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप अ गर्ल इन अ डंजन, मतलब शॉर्ट में डेनमाची। तो इसका सीजन 4 आ रहा है, तो अगर आपने इसके पहले 3 सीजन देखे हैं तो इस सीजन को मिस मत करना। एंड द नेक्स्ट एनिमे टाइटल इज इवन फकिंग लॉन्गर देन डेनमाची, तो इसका नाम है माय इसेकाई लाइफ आई गेन सेकंड कैरेक्टर क्लास एंड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज इन द वर्ल्ड। तो एक न्यू इसेकाई एनिमे है, तो तुम्हें इसे देखने के लिए इसका अगला पिछला कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि क्या तुम्हें इसे देखना चाहिए या फिर नहीं, सो इट्स फकिंग इसेकाई, इसमें ओवरपावर्ड एमसी है, चिक्स है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर रीजन टू नॉट वॉच दिस। और ऊपर से अगर तुम्हें यार पसंद ना आए तो फिर ड्रॉप कर ही सकते हो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेना। और अब जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है हरम इन द लाइब्रेरियंथ ऑफ द अनदर वर्ल्ड, और ये एनिमे बच्चों के लिए नहीं है। पहले ही बता दूं ये एक एक्सट्रीम हरम ऐसी एनिमे है जिसमें चीजें कुछ ज्यादा ही हार्ड कोर हो जाती है। रीड ऑफ हिलर जितनी तो नहीं, लेकिन इसमें जितना भी दिखाया है उसे देखने के बाद में तुम ये जरूर सोचोगे इट्स बेसिकली अ हेंटाई, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एनिमे का टैग है तो हम भी इसे एनिमे ही कहेंगे। और ये डेफिनेटली बच्चों के लिए तो नहीं है, तो अगर तुम 18 से कम के हो तो इसे दूर रहना, लेकिन अगर तुम 18 से ऊपर के हो तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। और ये तुम्हारे बाकी हरम और ऐसी एनिमे जैसा नहीं है जिन्हें देखने के बाद में तुम्हें लगता है जैसे बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है, क्योंकि इसके एमसी पुसीकैट नहीं है तो वो सारी बॉर्डर क्रॉस कर देता है। तो अगर तुमको ऐसे हार्डकोर ऐसी एक्सट्रीम चीजें देखना पसंद है तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। और पर्सनली मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैंने इसके लाइट नॉवल और मांगा पढ़ी है, तो मुझे पता है कि इसमें मुझे क्या देखने को मिलने वाला है। और चेरी ऑन द टॉप ये है कि इसे एनिमेट कर रहा है स्टूडियो TNK, जिसने हाई स्कूल डिग्री के पहले 2 सीजन एनिमेट किए हैं, तो एनिमेशन भी बढ़िया होने वाला है, तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ, जिसका नाम है अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो इसकी जो स्टोरी है, इसमें हमारा जो एमसी है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहां से 17 या फिर 20 साल बाद वापस हमारी दुनिया में चला आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो गया था 90s में, और अब जब वो वापस आ चुका है तो करंट टाइम चल रहा है, मतलब कि बहुत सारा समय निकल चुका है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उसे नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ऊपर से उसकी पुरानी दुनिया की प्रॉब्लम से उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये एक कॉमेडी एनिमे है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और इसके अलावा जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है ब्लैक समनर, तो ये तुम्हारे बाकी जेनर की सगाई जैसा ही है, लेकिन इसका जो एमसी है वो एक बैटल जंकी है, मतलब कि उसे अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ने में मजा आता है। तो इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी, तो इसे भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। इसके अलावा जो लास्ट एनिमे है और इसका नाम है वॉरमिल इन गोल्ड, और एक मैजिक स्कूल वाला एनिमे है जिसमें एमसी मैजिक स्कूल में जाता है और वहां की समनिंग क्लास में वो फेल होने वाला होता है, क्योंकि उससे कोई भी फीमेलियर समन नहीं होता। लेकिन एक दिन उसके हाथ में एक फॉरबिडन ग्रिमोरी लग जाती है, मतलब कि एक मैजिक बुक, और वो गलती से एक डीमन को समन कर लेता है जो कि एंशियंट टाइम से उस बुक में कैद थी, क्योंकि उसने पहले बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन इतने साल तक उस बुक में कैद रहने की वजह से उस डीमन की पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है और वो एक लवली केयरिंग काइंड ऑनेसान बन चुकी है। तो ये एक ऐसी हरम एनिमे है, तो इसे भी जरूर अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। और इसी के साथ में ये वीडियो करते हैं यह पर खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।